देश इस वक्त कोरोना से जंग लड़ रहा है, लेकिन इस महामारी के साथ साथ जंग जिंदगी जीने के लेकर भी है। क्योंकि एक तरफ लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को पीने का पानी भी मयसर नहीं हो रहा। आलम यह है कि राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों में इस मुश्किल वक्त में भी पानी के लिए लोग घंटों लंबी लंबी लाइन में खड़े रहते हैं। तस्वीरें दिल्ली के चिल्ला गाँव की हैं, जहाँ पर पानी लेने के लिए लोग घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। बड़ी बात यह है कि पानी का टैंकर 3-4 दिन में एक बार आता है। कहाँ पानी आ रहा, पानी से आदमी परेशान है। तो घंटों से आप लोग डब्बा लेके बैठे हुए हो, क्या कैसे पानी मिलता है, क्या इंतजाम है? हम लोग तो 8 बजे से 8:30 बजे से आकर बैठे हैं। अच्छा, हाँ टैंकर आता है? हाँ आता है। तो पानी मिल जाता है सबको टैंकर से? कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। कितने घंटे तक इंतजार करने पड़ते हैं पानी की? अरे दो दो तीन तीन घंटा आदमी बैठा रहता है काम छोड़ के। 3 घंटा कम से कम, 3-4 घंटा 7 बजे के लाइन में लगे हुए हैं पानी के लिए। कितने बजे टैंकर आता है? टैंकर का भरोसा नहीं, क्या दो अब ना आए। अच्छा, ऐसा हाँ आ जाए तो कभी भी आ जाए, ना आ जाए तो 3-3, 4-4 दिन नहीं आता है। परेशानी उठाने के बाद भी पानी मिल जाए तो ठीक था। यहाँ रहने वाले किरायेदारों को यहाँ के दबंगों की दबंगई भी झेलनी पड़ती है। इनका कहना है कि यहाँ के लोकल लोग पहले खुद पानी भरते हैं, बाद में इनका नंबर आता है। पानी की परेशानी है, बैठे हैं, 11 बजे जा रहे हैं, कोई टाइम ना आते थे, गुजरो अपना अपना भर लेते हैं और भग 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 भग। हाँ दादागिरी है गुजरों की, देखो उस कमरे में सब भरी हैं, अपना अपना भर लेती हैं और भगो चलो किराएदार, तुम किराया खाते हो तो हम गुजर कहाँ जाए किराएदार। हाँ हाँ अपना पानी पहले भरेंगे, बहुत परेशानी, बहुत ज्यादा दिक्कत है। ऐसा नहीं है कि पानी के लिए दिल्ली में ही किल्लत हो रही है, बल्कि पानी को लेकर तमिलनाडु में भी लोग सड़कों पर हैं। तस्वीरों को देखिए, किस तरह से लोग पानी की किल्लत के चलते सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त में जब लॉकडाउन के चलते लोग घरों में कैद हैं, काम धंधे बंद हो गए हैं, ऐसे मुश्किल वक्त में लोगों को अगर पानी भी नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगी जिंदगी, सोचने की बात है। और इन राज्य सरकारों को जल्द से जल्द इस परेशानी को दूर करना चाहिए।